तो फ्रेंड्स, आप भी अपने फ़ोन से इस तरह से वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरह से वीडियो कैसे बना सकते हैं अपने फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन में ओपन हो जाना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ से प्लस वाले पे क्लिक करना है एंड आपको फर्स्ट ले साइट को सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट ले साइट को सिलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से मीडिया में चले जाना है और मीडिया में जाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड वाले पे क्लिक कर लेना है। बैकग्राउंड वाले पे क्लिक कर लेने के बाद आपको व्हाइट बैकग्राउंड को चूज करके सही कर लेना है। उसके बाद नीचे में बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है एंड आपका साइज जो इसका बढ़ा लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से इसको साइज बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कलर वाले पे चले जाइएगा। कलर वाले पे जाने के बाद आपको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करके सही कर लेना है। सही कर लेने के बाद आपको यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद आपको आगे आ जाना है। आगे आ जाने के बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है एंड आपको मीडिया में चले जाना है और मीडिया में जाने के बाद अपने फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं अपने फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे साइड से इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है, पूरा बढ़ा देना है। फोटो को बढ़ा लेने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉपिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड आपको यहाँ से मास्क को इनेबल कर लेना है। मास्क को इनेबल कर लेने के बाद यहाँ से स्पेस में आपको जाना है। स्पेस में जाने के बाद आपको यहाँ से सेकेंड वाले को चूज कर लेना है। उसके बाद एक एक्सेप्ट पीछे हो जाना है, ठीक है। पीछे हो जाने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा इसे कट कर लेना है अपने हिसाब से, फोटो को जितना आप रखना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपने हिसाब से इसे रख लेना है। फोटो को रख लेने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को जो छोटा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। छोटा कर लेने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको बीच में ले आना है। बीच में ले आने के बाद आपको यहाँ से ओवरले एमिनेशन में चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरले एमिनेशन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से रिंग वाले पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। रिंग वाले पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक हो जाने के बाद इसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लगा लेना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको रख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सही कर लेना है। सही कर लेने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि आगे में आ जाना है और आगे में आने के बाद फिर से हमें लेयर पे क्लिक कर देना है एंड मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद मैं एक PNG का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको ले आने के बाद आपको इसको भी साइज जो है बढ़ा देना है, ठीक है, पूरा बढ़ा देना है जितना हमारा बैकग्राउंड फोटो बड़ा रहेगा, ठीक है। इसको बढ़ा लेने के बाद इसको साइज जो है छोटा कर लेना है इतना, ठीक है, अपने हिसाब से इसको साइज छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद आपको फिर से ओवर लेमिनेशन पे क्लिक करना है एंड इसको भी रिंग पे रख लेना है, ठीक है। रिंग पे रख लेने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। बैक हो जाने के बाद आपको अच्छे से दोनों को बैठा लेना है साथ में, ठीक है, ताकि लगे कि ये साथ में घूम रहा है। तो कुछ इस तरह से हो गया है। थोड़ा सा पे यहाँ देख सकते हैं फोटो हमारा जो है बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। सब लोग छोटा करके यहाँ पे ऊपर में रख लेंगे इस तरह से। तो आपको अपने हिसाब से इसको रख लेना है फ्रेंड्स, अच्छे से मिला के। इस वीडियो को धीरे धीरे मिक्सिंग कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि गैल वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से थ्री डॉट पर आ जाना है। डिलीट के नीचे थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से डुप्लीकेट वाले पर क्लिक इसको कर लेना है। डुप्लीकेट वाले पर क्लिक कर लेने के बाद इस फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको नीचे इस तरह से लगा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके नीचे में लगा लेना है आपको, ठीक है। तो हम लोग लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा लिए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये बैक हो गया। तो इसको क्या करना है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है एंड यहाँ से पेंसिल वाले पे चले जाना है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस PNG के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस फोटो PNG के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फिर से हमें थ्री डॉट पर चले जाना होगा। थ्री डॉट पर जाने के बाद डुप्लीकेट के नीचे ब्रिंग टू फॉन्ट लिखा है, उस पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आगे में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छे से हम लोग को मिला लेना है, ठीक है। तो हम लोग मिला लेते हैं। उसके बाद यहाँ से सही कर लेंगे। सही कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। उसके बाद आपको अपने हिसाब से जो है इसका साइज जो बढ़ा लेना है। उसके बाद इस फोटो को जो है इस तरह से हम लोग भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। दोनों को अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड्स। मिला लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा, देख सकते हैं। बन जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। सेव कर कैसे करना है, इस शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है एंड आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपका जो वीडियो सेव हो जाएगा, तो अच्छे से बना के आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। आपका मतलब वीडियो सेव कर लीजिएगा,
जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से और वीडियो आगे बनाना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं ये वीडियो जो है सेव हो चुका है। वीडियो सेव हो जाने के बाद हमें क्या करना है, पूरा बैक हो जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। पूरा बैक हो जाने के बाद यहाँ से प्लस वाले पे क्लिक करना है एंड आपको फिर से फर्स्ट वाले साइज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से मीडिया में चले जाना है, और मीडिया में जाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड वाले पे आ जाना है। बैकग्राउंड वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको व्हाइट बैकग्राउंड को चूज करके आपको सही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें आगे आ जाना है, आगे आ जाने के बाद लेयर पे क्लिक करना है एंड आपको मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद फ्रेंड्स मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो आ जाने के बाद आपको इसे फुल स्क्रीन इस तरह से कर लेना है, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लेने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमा की क्या एक ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक कर लेना है। आपको इनेबल इसे कर लेना है। इनेबल कर लेने के बाद यहाँ से की कलर में चले जाना है आपको। क्लिक कलर में जाने के बाद यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके सही कर लेना है। सही कर लेने के बाद आपको यहाँ से दोबारा सही कर लेना है। उसके बाद फिर से लेयर पर क्लिक करना है एंड आपको मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद आपको अपने बॉय वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फोटो हम लोग ले आए हैं। फोटो ले आने के बाद आपको यहाँ से क्रॉप वाले पे जाना है। क्रॉप वाले पे जाने के बाद मास्क को इनेबल करके स्पेस में आ जाना है। स्पेस में आने के बाद यहाँ से दिल वाले को सिलेक्ट कर लेना है। दिल वाले को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको एक स्टेप बैक हो जाना है, ठीक है, पीछे हो जाना है। पीछे हो जाने के बाद इसको अच्छे से क्रॉप करके दिल बना लेना है, ठीक है, गोल बना लेना है दिल। दिल बनाने के बाद आपको इस फोटो को जो बीच में रख लेना है, ठीक है, इसको बड़ा छोटा करके आप अपने हिसाब से इसको रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग इसको रख लेते हैं। तो इस तरह से रख लेने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको इस दिल में अच्छे से ऊपर पे रख देना है, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से इस तरह से आपको लगा लेना है। रोल रख लेते हैं पहले इसके ऊपर, ठीक है। ऊपर रख लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से थ्री डॉट पे फिर से जाना है, डिलीट के नीचे थ्री डॉट पे जाना है एंड आपको इस बार क्या करना है, सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है। सेंड टू बैक हम लोग कर देते हैं इस फोटो को। सेंड टू बैक करने के बाद आपको अच्छे से दिल में मिला लेना है। मिला लेने के बाद आपको फिर से थ्री डॉट पे जाना है एंड आपको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे लगा लेना है इस तरह से। तो फिर से मैं क्या करना होगा, थ्री डॉट पे जाना होगा, इस फोटो को भी सेंड टू बैक इस तरह से करना है। तो इस तरह से हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद फिर से हम नीचे लाएंगे इसको। नीचे लाने के बाद फिर से हम लोग सेंड टू बैक इस फोटो को कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को लगा लेना है फोटो को। उसके बाद फिर से यहाँ से सही कर लेना है। सही करने के बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद इस बार गर्ल वाले फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। गर्ल वाले फोटो को सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें क्रॉप रूम पर जाना होगा। उसके बाद मास्क को इनेबल करके स्पेस में जाना होगा एंड आपको दिल वाले को सेलेक्ट करके एक स्टेप बैक हो जाना होगा। बैक हो जाने के बाद इसको भी अच्छे से क्रॉप करके दिल बना लेना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इस फोटो को भी अच्छे से लगा लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से लगा लेते हैं। इस तरह से लगा लेने के बाद आपको फिर से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको बड़ा छोटा करके इस दिल में लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको लगाते जाना है। फिर से हमें थ्री डॉट पे जाना होगा एंड सेंड टू बैक इस फोटो को भी कर लेना होगा। तो अच्छे से मिला मिला के आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से डुप्लीकेट हम लोग को कर लेना है एंड फिर से इस फोटो को नीचे ले आना है। नीचे ले आने के बाद फिर से थ्री पे जाके सेंड टू बैक, उसके बाद फिर से थ्री डॉट पे डुप्लीकेट, उसके बाद इस फोटो को नीचे इस बार लगा के सेंड टू बैक कर लेना है, ठीक है। इस तरह कर लेने के बाद आपको यहाँ से सही कर लेना है, और सही कर लेने के बाद इस वीडियो को हम लोग को सेव कर लेना है, ठीक है। तो शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद ये वीडियो जो है सेव हो जाएगा, बहुत ही जल्द सेव हो जाएगा, छोटा वीडियो, ठीक है। सेव हो जाने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि बैक हो जाना है, ठीक है। इस बार पूरा बैक हो जाना है फिर से। फिर से हमें प्लस वाले पर क्लिक करके फर्स्ट वाले साइज को सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर से मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद इस बार आपको अपने हिसाब से कोई गूगल से डाउनलोड किया हुआ एक बैकग्राउंड को चूज कर लेना है। तो अपने हिसाब से कोई भी एक बैकग्राउंड को आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोई भी एक यहाँ पे बैकग्राउंड को ले ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोई भी एक बैकग्राउंड चूज कर लिया है। बैकग्राउंड को चूज कर लेने के बाद आपको इसका साइज जो है बढ़ा लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से सही कर लेना है, और सही कर लेने के बाद हमें आगे आ जाना है। और आगे आ जाने के बाद लेयर पर क्लिक करना है एंड आपको मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद आपको अपने वीडियो को जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दोनों वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट वाली वीडियो को हम लोग सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा कर लेने के बाद यहाँ से क्रोमा की को इनेबल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमा की में जाना है, इसको इनेबल कर लेना है आपको। इनेबल कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हमें बैक हो जाना है, और बैक हो जाने के बाद आपको जहाँ भी से ऐड करना है कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कर लेने के बाद हमें यहाँ से सही कर लेना है। सही कर लेने के बाद फिर से हमें लेयर पर क्लिक करना है एंड मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद
सेकेंड वाले वीडियो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेंगे। इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेने के बाद फिर से हमें क्रोमा की पे जाना होगा एंड इसको इनेबल कर लेना होगा। इनेबल कर लेने के बाद आपको यहाँ से सही कर लेना है फ्रेंड्स। सही कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से डिलीट के ऊपर चाबी बना आएगा, तो उसके ऊपर हमें चले जाना है, ठीक है। चले जाने के बाद आपको यहाँ से इस वीडियो को क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में बढ़ा लेने के बाद इस वीडियो को हम लोग इस तरह से नीचे कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से नीचे कर लेंगे फ्रेंड्स। नीचे कर लेने के बाद आपको यहाँ से सही कर लेना है। सही कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा, आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं जल्दी में बनाया हूँ वीडियो, तो इस तरह से बना है। आप धीरे से बनाएगा तो आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। एक थोड़ा सा मैं फॉर्मूला टाइप से आपको बता दिया है, आपको बनाना आपका काम है किस तरह से वीडियो बना सकते हैं। जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर आप बनाइएगा अपने फ़ोन से, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना होगा एंड आपको फिर से थ्री डॉट पे चले जाना होगा एंड आपको डुप्लीकेट कर लेना होगा, ठीक है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद आपको इस वीडियो को इस तरह से कुछ सेकंड टच करके रखना है एंड आपको इस तरह से खींचकर आगे ले आना है, ठीक है। तो आपको ये दोबारा फिर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डुप्लीकेट करते जाना है जितना बड़ा आप वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग डुप्लीकेट फिर से कर लेते हैं एंड आपको इसको टच करके रखना है एंड इसको आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। तो इस तरह से करके आप जितना बड़ा वीडियो बनाना चाहते हैं उतना बड़ा वीडियो बना सकते हैं फ्रेंड्स अपने फ़ोन में, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आइडियो वाले पिक क्लिक करना है एंड आइडियो वाले क्लिक करके आपको कोई अच्छा सा एक आइडियो लगा लेना है। लगा लेने के बाद आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको पता है सेव वाले बटन पर क्लिक करना है एंड आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।